हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में लाइन एंड प्लेन से आने वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है और उसके क्वेश्चन को कैसे एक मिनट के अंदर में सॉल्व करना है, उसके बारे में कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लाइन की इक्वेशन लिखी है जिसके बारे में आपको कंप्लीट आइडिया है कि ये लाइन x1, y1, z1 पॉइंट से पास हो रही है और वेक्टर ए, बी और डी जो है राइट इसके डायरेक्शन में, डेट मीन्स ये डायरेक्शन रेशियो है इस वेक्टर के डायरेक्शन में। वैसे ही प्लेन की इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, इस टाइप से। इसमें जो कैपिटल है ए बी सी, ये क्या बता रहा है, नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन मतलब ये बोर्ड का प्लेन हो गया, तो ये वाला डायरेक्शन रेशियो या ये वैक्टर राइट एकदम नॉर्मल टू द प्लेन। और ये जो एफ है वो सम कॉन्स्टेंट होगा राइट। तो अगर कभी भी लाइन की इक्वेशन गिवन हो, प्लेन की इक्वेशन गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि क्या ये लाइन इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो सिंपल सा आपको दो चेक करना है क्योंकि ऑप्शन गिवन होंगे। क्या चेक करना है कि ये जो पॉइंट से लाइन पास हो रही है वो पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए प्लेन को, डेट मीन्स इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर दोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जीरो आनी चाहिए राइट। दूसरा, ये जो इसका डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल का प्लेन का और इसका जो डायरेक्शन रेशियो लाइन का, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइन इस बोर्ड के प्लेन में और नॉर्मल जो है वो आपका ऐसे परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री एंगल होगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो ये पहला पॉइंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसे आपको अप्रोच करना है। दूसरा, कभी भी एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन पूछा जाए, इस लाइन और प्लेन के बीच का एंगल अगर पूछा जाए, तो जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, तो ये मेरा प्लेन है राइट और ये लाइन है, तो इनके बीच का एंगल एक्चुअली ये हुआ, लेकिन यू नो नॉर्मल जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं लाइन और प्लेन के बीच का एंगल थीटा लेता हूँ, तो एक्चुअली जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो ये वाला एंगल आएगा राइट। क्यों? क्योंकि ये लाइन है और नॉर्मल इनके बीच का एंगल आएगा, तो ये चूँकि 90 डिग्री पे होंगे तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, और यू नो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना, साइन थीटा इज इक्वल टू ये डॉट प्रोडक्ट ही है। डॉट प्रोडक्ट किस किस का लेना, अगेन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, उनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनका मैग्नीट्यूड। ये एक तरह से ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी है। साइन थीटा क्यों हो गया, क्योंकि ये वाला एंगल निकालना था, ये कॉस 90 माइनस थीटा है, बट थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, और 90 माइनस थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये एक बात क्लियर होना चाहिए। इसीलिए अगर पूछा जाए कि क्या ये लाइन पैरेलल है, तो आपको क्या चेक करना है, ये ऊपर वाला वैल्यू जीरो होना चाहिए, मतलब ये डॉट वाला जीरो होना चाहिए, और अगर ये परपेंडिकुलर है डेट मीन्स ये जो लाइन होंगी वो नॉर्मल के पैरेलल हो जाएंगे, इसलिए ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ये सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, कि कभी भी प्लेन की इक्वेशन लिखना हो थ्रू द लाइन, डेट मीन्स ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन अगर लिखना है कि ये इस लाइन के थ्रू जा रही है, तो वेरी सिंपल है, ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स ऑफ वाई माइनस वाई वन सी टाइम्स ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स वन वाई वन जेड वन वही पॉइंट है जो लाइन पे लाई कर रहे हैं, और जो कैपिटल ए बी सी है वो नॉर्मल टू द प्लेन है। तो कभी भी अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन हो और उसके थ्रू एक प्लेन की इक्वेशन लिखना हो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और एक कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होंगी कि दोनों के डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे। जो यहाँ पे हमने समझाया कि ये डायरेक्शन रेशियो ये जो है ये किसका है, नॉर्मल टू द प्लेन है और ये लाइन का है राइट, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। पॉइंट नंबर फोर, डैट इज़ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, कि बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन, दो प्लेन गिवन हो और उन दोनों प्लेन को बाइसेक्ट करने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखना हो, तो ऊपर में प्लेन पी वन लिख देना, डैट मीन्स ये वाला ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस एफ, नीचे में उसी के जो डायरेक्शन रेशियो हैं उनके स्क्वायर का अंडर रूट कर देना सम का, इधर प्लस माइनस ले लेना, एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा और एक इंटरनल बाइसेक्टर, अगेन प्लेन पी टू डिवाइडेड बाई उसके डायरेक्शन जो रेशियोज हैं उनका स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेना राइट। तो ये वेरी सिंपल है। पॉइंट नंबर फाइव, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट पूछा जाए, तो इसी पॉइंट नंबर टू का मैं यूज करूँगा, कि अगर ये लाइन है इसके सेगमेंट का प्रोजेक्शन अगर प्लेन में लेना हो, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा राइट, क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। थीटा आप कैसे निकालेंगे, तो चूंकि ये नॉर्मल टू द प्लेन है और ये आपका लाइन है राइट, तो ये एंगल आपको मिलेगा डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो इसलिए ये वही वाला पॉइंट लगाया साइन थीटा से हमें, तो इसलिए साइन थीटा से हमें ए बी डॉट एन और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए बी मैग्नीट्यूड एन, तो इससे साइन थीटा मिल जाएगा, चूंकि साइन थीटा क्या होता है पी वाई एच, तो वहाँ से हमें
थीटा निकाल सकता हूँ कॉस थीटा, लाइक कैसे बी बाई एच से। तो ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी किसी लाइन का प्रोजेक्शन प्लेन में लिखना हो तो जो लाइन सेगमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड ए बी तो हो जाएगा कॉस थीटा। और कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो पहले आपका साइन थीटा आएगा। साइन थीटा कैसे आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकालते हैं, तो यहाँ से जो आता है, फिर वहाँ से कॉस थीटा निकाल लेंगे, फिर हो जाएगा। तो आई होप मेरा ये 5 पॉइंट क्लियर होगा। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया बेटा, तो इस पे बेस्ड आने वाले किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 132 पैरेलल टू दिस लाइन एंड इंटरसेक्ट द प्लेन दिस एट पॉइंट बी, तो बी के कोऑर्डिनेट बताना है। तो ध्यान से देखो कैसे ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि अगर ये बोर्ड का प्लेन है और ये मार्कर मेरी लाइन है, अगर ये बोर्ड के प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये जो पॉइंट होगा वो लाइन पे भी लाई करेगा और इस बोर्ड के प्लेन में भी होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि इस पॉइंट को प्लेन में रख करके देखें क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ध्यान से देखो 3 × 1/6 प्लस 4/3 प्लस 2 × 19/12। तो ये अगर एलसीएम लेंगे आप सबका तो 12 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, ये 3/4 था तो ये 16 और ये 38, तो ये कितना आ रहा है 60/12 डेट इज 5। ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। एक और तरीका क्या हो सकता है, एक और अप्रोच कि आपका जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, राइट, ये पॉइंट हो गया 1, 3, 2 और इस वेक्टर के पैरेलल है 2i 4j + k के पैरेलल है। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखा जा सकता है कैसे, x-x1/2 y-y1/4 z-z1/1। अब ये सब क्या है, एक रेशियो है, राइट, और ये सब इक्वल अगर होते हैं लेमडा के बराबर, अगर मैं मानता हूँ कि लेमडा के इक्वल है तो इस लाइन पे कोई पॉइंट क्विकली आ जाएगा, राइट, कैसे, ध्यान से देखो 2λ+1 ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, 4λ+3 ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया और λ+2 ये जेड कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये पॉइंट इस प्लेन में पुट कर दो, क्यों, क्योंकि ये उसको भी सेटिस्फाई करेंगे, लेमडा आ जाएगा, लेमडा आ गया मतलब पॉइंट आ गया, तो ऑप्शन आ जाएगा। तो ये कन्वेंशनल मेथड हुआ और इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ़ दिस लाइन मीट्स द प्लेन दिस एट पॉइंट पी, तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन। तो अगेन ध्यान से देखो ये सब रेशियोज है, राइट, तो इसको मान लिया लेमडा के बराबर है। अगर ये लाइन इस प्लेन को मीट कर रही है तो अगेन वो जो मीट पॉइंट होगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट एज्यूम करना तो क्विकली एक्स कोऑर्डिनेट का हो जाएगा 2λ, यहाँ पे माइनस है तो +1, राइट, वैसे ही 3λ यहाँ पे प्लस है तो -1 और 4λ+2, ये पॉइंट इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। अगर ये पॉइंट इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा डेट मीन्स इंटरसेक्ट हो जाएंगे वो लाइन, तो राइट, तो क्या करना है, इस पॉइंट को पुट कर देना इस प्लेन में, तो क्या हो जाएगा 2λ+1 प्लस 2 × 3λ-1 प्लस 3 × 4λ+2 = 15। तो ध्यान से देखो तो ये 2λ+1 ये 6λ-2 ये 12λ+6 = 15। तो ये 2 और 6 8 और 12 20λ = 15 - ये 1 और 6 7 - 2 तो ये 5, तो यहाँ से लेमडा आ गया आपका 1/2। लेमडा आते ही ये पॉइंट आ चुका है, यहाँ पुट कर दो तो पॉइंट 2 हो गया, राइट, यहाँ पुट कर दोगे तो ये 1/2 हो जाएंगे और ये 4 हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट आ गया है जो इस लाइन पे भी है और इस प्लेन में भी है, डेट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नाउ व्हाट वी कैन डू कि हमें क्या करना है, पॉइंट पी का ओरिजिन से, तो ओरिजिन तो वेरी सिंपल हो गया 0, 0, 0, राइट, डेट मीन्स रूट अंडर ऑफ ये निकालना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम ले लो तो आपका कितना आ जाएगा, ये ध्यान से देखो तो 16 + 1 + 64/4 डेट इज नथिंग बट 9/2, सो ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में द लाइन लाइज इन द प्लेन, ध्यान दें कि प्लेन में लाई कर रहा है तो फिर ये वैल्यू बताना है। तो अगर ये बोर्ड का प्लेन है और ये मार्कर मेरी लाइन है, इसी में लाई कर रहा है, तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा और प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर होंगे, तो 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले क्विकली ध्यान से देखो इसका 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3, राइट, डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट, 5 × 3 तो -15, राइट, और ये -2a = 0 होना चाहिए। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो a कितना आ जाएगा आपका -6। दूसरा ये सब जो पॉइंट है वो इसी प्लेन में होंगे, तो यह पॉइंट कितना है 2,
वन कॉमा यहाँ प्लस है तो माइनस टू, राइट। ये पॉइंट प्लेन में लाई कर रहा है, पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, x की जगह 2, 3, y की जगह तो 1, और ये a आ चुका है माइनस 6, और यहाँ पे ये भी माइनस है तो माइनस 12, तो ये ओवरऑल आपका 6 टू द माइनस 12 हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि a भी माइनस है और z की जगह भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएंगे, ये माइनस था ये, प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ध्यान से देखो तो b कितना आ जाएगा, 7। तो हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और इंटू ए बी तो 76 द माइनस 42, और प्लस बी स्क्वायर तो 49। तो ये कितना आ गया, ध्यान से देखो, माइनस 6 प्लस 49 डैट इज 43, योर ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 4 में एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज कॉस इनवर्स 2√2/3 है, तो लेमडा बताना है। तो अभी बताया था कि ये अगर आपका प्लेन है, राइट, और ये लाइन है, तो इनके बीच का जो एंगल है तो ये तो नॉर्मल हो गया टू द प्लेन, राइट, और ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होंगे। तो ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ, कभी बताया था आपको साइन थीटा इज इक्वल टू, तो अब ध्यान से देखो 2 इंटू इसके आगे का कोफिशिएंट 1, तो ये 2, फिर 1 इंटू माइनस 2 तो माइनस 2, ये माइनस 2 इंटू माइनस लेमडा तो 2 लेमडा डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ, इसका लोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर फिर से 4, राइट, और इंटू में फिर दूसरा, तो इसका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और लेमडा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया आपका साइन थीटा, बट आपको गिवन है कॉस इनवर्स ऑफ 2√2/3, तो अगर मैं मान लेता हूँ इसको थीटा, तो यहाँ से क्या हो गया, कॉस थीटा कितना हो गया 2√2/3, तो इसलिए साइन थीटा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 1/3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बी बाई एच हो गया तो पी बाई एच से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको साइन थीटा मालूम है, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, चाहो तो आप मॉड लगा सकते थे, तो ध्यान से देखो तो साइन थीटा की जगह क्या पुट कर दूंगा, 1/3 इज इक्वल टू, उधर 2 लैम्डा बचा, इधर ये 3 आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ऑफ 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो गया, 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा तो 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो लैम्डा क्या आ गया, √5/3, डैट इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके से अप्रोच करना है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्शन कोसाइन का कनेक्शन आपको गिवन है इस टाइप के इक्वेशन से, वैल्यू ऑफ एल प्लस एम प्लस एन बताना है। तो ध्यान रहे जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो एक यूनिट वेक्टर होता है, चाहो तो इस पॉइंट को शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या है, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 5m माइनस 3m, जब भी इस टाइप का आए तो आप किसी एक को एक साइड में कर लो, राइट। और यहाँ से वैसे ही क्या लिख सकता हूँ, 7l स्क्वायर इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस में 5m स्क्वायर, और यहाँ से ये l की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 7m l की जगह क्या हो जाएगा, 5m माइनस 3n का स्क्वायर इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये 7 हो गया, ए स्क्वायर तो 25m स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 9n स्क्वायर, और 2ab तो माइनस में 30mn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 175m स्क्वायर ये हो जाएगा आपका माइनस में 2110mn, और ये प्लस में 63n स्क्वायर इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर, सबको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 180m स्क्वायर 2110mn, और ये प्लस में 60n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें से 30 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6m स्क्वायर माइनस में 7mn, और ये प्लस में 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6m स्क्वायर माइनस में 3mn माइनस में 4mn प्लस में 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें आप ध्यान से देख सकते हो 3m कॉमन आ जाएगा, तो इधर कितना बच गया 2m माइनस n, इधर माइनस में 2n कॉमन आ जाएगा तो 2m माइनस n, तो यहाँ से आप कह सकते हो 3m माइनस 2n और 2m माइनस n इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 3m इज इक्वल टू 2n, राइट, या फिर 2m इज इक्वल टू n, तो अगर पहले वाले को लें तो 3m इज इक्वल टू 2n, तो यहाँ पे ध्यान से देखो m इज इक्वल टू n लिखेंगे तो m का कोफिशियंट 3 है तो वो इधर डिवाइड होगा और n का कोफिशियंट 2 है तो वो इधर, राइट।
अब अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो एल भी आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 5m माइनस 3n की जगह ध्यान से देखो क्या हो जाएगा 3m बाई 2, तो ये 10m में से 9m गया तो क्या बच गया m बाई 2, तो ये l बाई 1 हो गया। तो आप फाइनली क्या हो गया ध्यान से देखो, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू m, m के नीचे कितना था 2, n के नीचे 3 और l के नीचे ध्यान से देखो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा m1 होना चाहिए l2, तो l2 हो गया और m1 होना चाहिए तो ये राइट। ऑलरेडी मैंने बताया कि जो l m n है वो एक यूनिट वेक्टर है, तो इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे ये डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/√14। इसीलिए आपका m कितना हो जाएगा ध्यान से देखो तो 2/√14 हो जाएगा, l कितना हो जाएगा ध्यान से देखो 1/√14 हो जाएगा और n कितना हो जाएगा आपका 3/√14। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर होते हैं आप देख सकते हो, हमें क्या पूछा है इन तीनों का सम, तो कितना हो जाएगा 2, 3, 5, 1, 6/√14, तो 6/√14 यहाँ है और यहाँ है। वैसे ही 2m इज इक्वल टू n इससे करोगे तो आपको l प्लस m का आ जाएगा 2/√6, सो योर ऑप्शन विल बी a। तो आई होप मेरा ये आइडिया मेरा ये प्रयास आपको समझ में आया होगा। बेटा बहुत सारे प्रॉब्लम हम नहीं करा सकते हैं आपको मालूम है, बट सोचने का तरीका कैसे अप्रोच करना है वो बता दिया, इससे आप किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर सकते हो। थैंक यू।